गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योगेश जैन, पीजीटी केमिस्ट्री इन माउंट लेटरा जी स्कूल. टुडे आई विल डिस्कस द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. फर्स्ट वी डिस्कस द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. जी थॉमसन इन 1904 प्रपोज दैट An atom was a sphere of positive electricity in which were embedded number of electrons sufficient to neutralize the positive charge. क्या बताया इन्होंने कि एटम जो है ये पॉजिटिव स्फीयर होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फैले हुए रहते हैं. ये इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं. इसका लिमिटेशन क्या रहा? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड. इस मॉडल से रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया. दिस इज द लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए बताया गया है. इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म सब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विथ थिन फॉइल. कितना थिन फॉइल हमें लेना है? 4×10⁻¹⁵ सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर एंड ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल हमने रेडियो एक्टिविटी में स्टडी किया था. दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्क्लूजन. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट इज 99.9% पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. मीन्स देयर मस्ट बी सफिशेंट स्पेस एम्प्टी विद इन द एटम. बहुत सारे मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है वो एटम में से पास हो जाते हैं अल्फा पार्टिकल. इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस. दैट्स वाई कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाते हैं. सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या लिया, फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल. मीन्स इन आउटर पार्ट ऑफ एन एटम देयर मस्ट बी नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन. हम क्या देखते हैं, कुछ बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो कि थोड़ा डिफ्लेक्ट होते हैं. वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाहर की इनके पास पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट करने से ये पार्टिकल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है, जैसा कि हम इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं. थर्ड नंबर इन्होंने क्या बताया, वेरी फ्यू ओनली वन इन 20,000 वर डिफ्लेक्टेड बैक ओनली व्हेन दे स्ट्राइक सम हैवियर पॉजिटिव चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम. बहुत कम पार्टिकल जो ऐसे हैं जो वापस अपने पाथ की तरफ आते हैं. और ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो बीच में पार्ट है वो एटम का न्यूक्लियस पार्ट है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बहुत छोटा है. दैट्स वाई कि बहुत फ्यू पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं. ठीक है, तो ये इन्होंने जो सेंटर पार्ट से टकराकर वापस जा रहे हैं उस सेंटर पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया. दिस इज़ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है.